रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल की वो टीम जो पिछले 12 सालों से एक भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से आरसीबी की टीम अभी तक आईपीएल की चैंपियन नहीं बन पाई है। तो इस वीडियो में हम टोटल 10 रीजन की बात करने वाले हैं। तो ये रहा पहला रीजन। तो पहला रीजन है ऑक्शन स्ट्रेटजी। तो आरसीबी की टीम आईपीएल के ऑक्शन में प्लेयर्स को खरीदने में कई सारी गलतियां करती है। उनके पास पहले से ही कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है। कई बार आरसीबी की टीम ऑक्शन में किसी एक अच्छे प्लेयर को बहुत ही बड़ी रकम में खरीद लेता है और फिर आरसीबी के पास दूसरे अच्छे प्लेयर्स खरीदने के लिए पर्स कम पड़ जाता है और आरसीबी की टीम ऑक्शन के बाद ही कमजोर नजर आती है। ये लिस्ट देखिए जिसमें आरसीबी ने कुछ ज्यादा रुपयों में प्लेयर्स को खरीदा है। इस लिस्ट में है केविन पीटरसन, सौरभ तिवारी, युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक, शेन वॉटसन, टाइमल मिल्स, क्रिस वॉक्स, मार्क स्टोइनिस। इन सभी खिलाड़ियों को आरसीबी ने करोड़ों में खरीदा और फिर इन प्लेयरों ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था और ऐसी गलती आरसीबी हर बार के ऑक्शन में करती है। दूसरा रीजन है आरसीबी के पास अच्छी शुरुआत दिलाने वाले ओपनर नहीं है। जब आरसीबी के पास क्रिस गेल थे तो गेल तो अच्छी शुरुआत करते थे लेकिन उनके साथी ओपनर कुछ खास पार्टनरशिप नहीं करते थे और जब साथी ओपनर चलते थे तो गेल नहीं चलते और आरसीबी हर सीजन में नए ओपनरों के साथ उतरती है। उनके कोई फिक्स ओपनर ही नहीं है। आईपीएल 2020 में भी हमें आरसीबी की नई ओपनिंग जोड़ी दिखने वाली है। आरसीबी के लिए गेल और दिलशान की जोड़ी अच्छी थी लेकिन उनके बाद से आरसीबी को अच्छी ओपनिंग पेयर अभी तक नहीं मिली है। तीसरा रीजन, आरसीबी की टीम लगातार मैचेस हारती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आरसीबी की टीम हारती है तो फिर लगातार 3 से 4 मुकाबले हार जाती है और कभी कभार तो आरसीबी सीजन की शुरुआत ही ऐसे करती है और फिर आखिर में आरसीबी को बचे हुए सभी मैचेस जीतने पड़ते हैं और आरसीबी प्रेशर में आ जाती है। वैसे तो मुंबई इंडियंस की टीम भी लगातार मैचेस हारती है लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम वापसी करना जानती है। आईपीएल 2019 में आरसीबी शुरुआत के लगातार 6 मैचेस हार गई थी और फिर वापसी नहीं कर पाई थी। चौथा रीजन, आरसीबी के पास अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों की कमी। आरसीबी के पास ज्यादातर खिलाड़ी अनकैप भारतीय खिलाड़ी होते हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में ही खेलते हैं, मतलब कि उनके पास अनुभव की कमी है और मैदान में वो साफ दिखता है। जब भी आरसीबी प्रेशर सिचुएशन में होती है तो आरसीबी कई बार उस मुकाबले को हार जाती है। इससे बात साफ पता चलती है कि आरसीबी में अनुभवी प्लेयर्स की कमी है। पांचवा रीजन, कमजोर ऑलराउंडर खिलाड़ी। तो आरसीबी की टीम में ऑलराउंडर की भी दिक्कत रही है। दूसरी टीमों के पास काफी अच्छे अच्छे ऑलराउंडर है जैसे कि चेन्नई के पास ब्रावो है, कोलकाता के पास रसल है, मुंबई के पास हार्दिक पांड्या और पोलार्ड है, राजस्थान के पास बेन स्टोक्स है, लेकिन आरसीबी के पास कोई परमानेंट अच्छा ऑलराउंडर नहीं है। शुरुआती सीजन में आरसीबी के पास ऑलराउंडर के रूप में जैक कालिस थे लेकिन कालिस के जाने के बाद आरसीबी को कोई अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी मिला नहीं है। पिछले 2 सीजन से मोइन अली आरसीबी में आए हैं। मोइन अली अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोइन अली आरसीबी के परमानेंट ऑलराउंडर भी बन सकते हैं। छठा रीजन, खराब फील्डिंग। तो आरसीबी की यह भी बड़ी दिक्कत रही है। आपने आईपीएल में सबसे ज्यादा कैचेस छोड़ते हुए आरसीबी के प्लेयर्स को ही देखा होगा और बड़े बड़े मुकाबलों में भी आरसीबी की फील्डिंग बिल्कुल साधारण नजर आती है। आरसीबी के पास विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के अलावा दूसरे अच्छे फील्डर्स की कमी है लेकिन पिछले साल तो विराट कोहली की फील्डिंग भी साधारण रही थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा कैचेस विराट कोहली ने छोड़े थे। विराट कोहली ने 4 कैचेस छोड़े थे और पूरे आईपीएल 2019 में सबसे ज्यादा कैचेस आरसीबी ने छोड़े थे। आईपीएल 2019 में आरसीबी की टीम ने 50 में से 30 कैच पकड़े और 20 कैच छोड़े हैं। ये आंकड़े बात साबित करते हैं कि आरसीबी की फील्डिंग अभी भी काफी खराब है और आरसीबी को आईपीएल जीतना है तो फील्डिंग में तो सुधार लाना ही पड़ेगा। सातवां महत्वपूर्ण कारण और वो है डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता। तो आरसीबी की टीम विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पर काफी ज्यादा निर्भर है, मतलब कि इन दो खिलाड़ियों के बगैर आरसीबी की टीम कुछ नहीं कर सकती। आरसीबी में एक और खिलाड़ी थे जिसके ऊपर भी आरसीबी काफी ज्यादा डिपेंड थी, वो थे क्रिस गेल। गेल के जाने के बाद आरसीबी में अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली और डिविलियर्स ही है। जब भी विराट कोहली और डिविलियर्स में से कोई भी एक खिलाड़ी मैच में नहीं खेल रहा होता है तो आरसीबी के हारने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आरसीबी इन दो खिलाड़ियों पर कितने ज्यादा निर्भर है। जब भी आरसीबी को कोई रन चेस करना होता है तो सबकी निगाह कोहली और डिविलियर्स के ऊपर होती है और अगर ये दोनों आउट हो जाते हैं तो फैंस को भी लगता है कि आरसीबी का मैच जीतना मुश्किल है। ये बहुत बड़ा कारण है आरसीबी का आईपीएल में एक भी बार खिताब नहीं जीतने का, क्योंकि आप दो खिलाड़ी के दम पर मैच नहीं जीत सकते क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है, मतलब कि टीम के सभी खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन दिखाना पड़ता है। आठवां कारण, अच्छे फिनिशर की कमी। आरसीबी के पास मैच को फिनिश करने वाले खिलाड़ी बहुत कम है। सीएसके के पास एमएस धोनी है, कोलकाता के पास आंद्रे रसल है, मुंबई के पास पांड्या और पोलार्ड है, राजस्थान के पास बेन स्टोक्स है, पंजाब के पास पहले मिलर थे और अब मैक्सवेल है, लेकिन आरसीबी के पास कोई अच्छा खासा फिनिशर नहीं है जो आरसीबी को हारा हुआ मैच जितवा सके। आरसीबी के लिए फिनिशर का रोल डिविलियर्स निभाते हैं लेकिन एबी के आउट हो जाने के बाद आरसीबी को आखिरी ओवर में रन बनाने में काफी दिक्कतें आती है। नौवां कारण, बड़े मुकाबलों में खराब प्रदर्शन। तो आरसीबी की टीम अब तक आईपीएल में 3 फाइनल मुकाबले खेल चुकी है।
आरसीबी साल 2009, साल 2011 और साल 2016 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन तीनों फाइनल मुकाबलों में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था। इससे यह बात साबित होती है कि आरसीबी बड़े मैचों में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती है और कई सारे गलत फैसले भी ले लेती है, जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ता है। दसवां और सबसे बड़ा कारण, खराब गेंदबाजी। तो आरसीबी के साथ आईपीएल के पहले सीजन से ही यही प्रॉब्लम रही है कि उनके पास अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं है। आरसीबी के बल्लेबाज तो बड़ा स्कोर खड़ा कर देते हैं, लेकिन फिर गेंदबाजी में कोई भी गेंदबाज कारगर साबित नहीं होता है और फिर टीम अच्छा स्कोर बनाने के बाद भी हार जाती है। आरसीबी की टीम के कुछ अच्छे गेंदबाज की बात करें तो वो है मिचेल स्टार्क, जहीर खान, आरपी सिंह, अनिल कुंबले, विनय कुमार, युजवेंद्र चहल, लेकिन इनमें से भी कई सारे बॉलर एक दो विकेट तो ले लेते हैं, लेकिन काफी ज्यादा महंगे साबित होते थे। अब तो आरसीबी के पास एक ही अनुभवी गेंदबाज है और वो है युजवेंद्र चहल। तो चहल आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है। चहल ने आरसीबी के लिए अब तक 100 विकेट्स लिए हैं। युजवेंद्र चहल आरसीबी के लिए एक तरफ से गेंदबाजी में प्रेशर तो बनाते हैं, लेकिन दूसरी छोर से कोई दूसरा गेंदबाज सारा प्रेशर रिलीज कर देता है। तो आरसीबी को अगर आईपीएल जीतना है तो उन्हें अच्छा बॉलिंग अटैक बनाना पड़ेगा। तो ये है वो 10 बड़े कारण जिसकी वजह से आरसीबी अभी तक आईपीएल का एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। ऑक्शन में अच्छी रणनीति नहीं बनाना, अच्छे ओपनर की कमी, लगातार मुकाबले हारना, अनुभवी भारतीय खिलाड़ियों की कमी, कमजोर ऑलराउंडर डिपार्टमेंट, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स पर निर्भरता, अच्छे फिनिशर की कमी, बड़े मुकाबलों में खराब प्रदर्शन और खराब बॉलिंग अटैक। तो आपको इनमें से कौन से कारण सही लगे और कौन से कारण गलत लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे समझने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको मेरी बातें सुनकर शायद ऐसा लगा होगा कि मैं आरसीबी का हेटर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी भी आईपीएल में फेवरेट टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, क्योंकि मेरे फेवरेट क्रिकेटर एक ही टीम में है और वो है एबी डिविलियर्स और विराट कोहली। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है क्योंकि टॉपिक ऐसा था कि ज़्यादा बात करनी पड़ी। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।